गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ आज का जो अपना लेक्चर है वो किस पे है? द स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में अपन क्या है आज डिस्कस करेंगे। तो जो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? पेल्विक ग्रिड एंड लोअर लिम्ब। तो पेल्विक ग्रिड और जो लोअर लिम्ब है उनके बारे में क्या अपन डिस्कस करेंगे। पेल्विस जो है, पेल्विस की जो कैविटी वो किससे बनती है? टू इनॉर्मिनेट बोन होती हैं और एक क्या होता है यहाँ पे? सेक्रम होता है। ठीक है, तो पेल्विक ग्रिड में क्या होगा? दो इनॉर्मिनेट बोन होती हैं और एक क्या होता है? सेक्रम होता है। ये तीन बोन मिलकर क्या करती हैं? पेल्विक कैविटी बनाती हैं। लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में क्या है? एक फीमर होती है, एक टीबिया होती है, एक फिबुला होती है, एक पटेला होती है, 7 टार्सल बोन होती है, 5 मेटाटार्सल बोन होती है और 14 क्या है? फ्लेंजेज होती हैं। तो जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब अपनी किन किन चीजों से मिलकर बना है? एक वहां पे फीमर होती है, एक टीबिया, एक फिबुला, एक पटेला, 7 टार्सल बोन होती हैं, 5 मेटाटार्सल होती हैं और 14 फ्लेंजेज होती हैं। जो पेल्विक कैविटी है वो किससे बनती है? पेल्विक ग्रिड किससे बनती है? दो इनॉर्मिनेट क्या है? बोन होती है और एक क्या होती है वहां पे? सेक्रम होता है। ठीक है, और लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में एक फीमर, एक टीबिया, एक फिबुला, एक पटेला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 फ्लेंजेस प्रेजेंट होती हैं। इन सब से मिलके क्या है अपना? लोअर लिम्ब बनता है। नेक्स्ट है इनॉर्मिनेट और हिप बोन। जो दो अपनी बोन है वो और हिप बोन। हिप बोन का क्या है? ये डायग्राम दिखाया गया है। ये क्या है यहाँ पे? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन दिखाया गया है, ग्रेटर स्ट्रेचिक नोज दिखाई गई है, इस्चियल बॉडी दिखाई गई है, इस्चियल स्पाइन दिखाया गया है, इस्चियल ट्यूबोसिटी दिखाई गई है, इस्चियम दिखाया गया है और इस्चियम रोमस दिखाया गया है, इलियम है, इलियम क्रेस्ट है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन दिखाया गया है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन डायग्राम के अंदर शो किया गया है, एसिटाबुलम है, बॉडी ऑफ प्यूबिस है, प्यूबिस है, इंफीरियर रैम्स ऑफ प्यूबिस है और ऑप्टिकल फोरामेन है। तो ये जो डायग्राम है ये क्या है अपना? हिप का क्या है? डायग्राम है। हिप बोन, ईच हिप बोन कंसिस्ट ऑफ 3 फ्यूज बोन। जो एक इनॉर्मिनेट बोन है, ठीक है, वो किससे बनती है? 3 फ्यूज बोन से बनती है, द इलियम, इशियम और प्यूबिस। कौन कौन सी होती हैं वो? इलियम, इशियम और प्यूबिस। जो इनॉर्मिनेट बोन है या हिप बोन है, वो एक बोन जो है वो किससे बनती है? एक बोन 3 से मिलकर बनती है, 3 फ्यूज बोन से मिलकर बनती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस से। On its outer surface there is deep depression, the acetabulum which form the hip joint with the almost spiral head of the femur.
आउटर सरफेस के अंदर जो क्या है डीप डिप्रेशन होता है, वो कहाँ पे किससे होता है, स्टेबुलम होता है वो, ठीक है, जो क्या करता है वहाँ पे हिप जॉइंट परफॉर्म करता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है जो अपने फीमर है, फीमर का जो हेड है वो आके क्या है वहाँ पे फिट होता है। द इलियम इज द अपर फ्लेटेड पार्ट, जो इलियम है वो क्या है अपर फ्लेटेड पार्ट है किसका, ऑफ द बोन एंड प्रेजेंट इन द इलियक क्रेस्ट, और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है इलियक क्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, द एंटीरियर पॉइंट ऑफ विच इज कॉल्ड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और जो इसका एंटीरियर पॉइंट जो है उसको क्या बोलते हैं अपन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं। तो जो हिप बोन है वो तीन फ्यूज बोन से मिलकर बनती है, इलियम इशियम और प्यूबिस से मिलकर बनती है। आउटर सरफेस जो है वहाँ पे क्या है डीप क्या होता है डिप्रेशन होता है, ठीक है, जहाँ जो जिससे क्या होता है जो अपना जॉइंट है हिप जॉइंट है वो परफॉर्म होता है, हिप जॉइंट के साथ जो अपने फीमर है उसका हेड क्या है वहां पे आके जुड़ता है। द इलियम इज द अपर फ्लेटेड पार्ट, जो इलियम है वो क्या है अपर फ्लेटेड पार्ट होता है, ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये इलियक क्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, द एंटीरियर पॉइंट ऑफ विच इज कॉल्ड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो एंटीरियर पॉइंट है उसको अपन क्या बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं। द प्यूबिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बोन एंड इट आर्टिकुलेट विद द प्यूबिस ऑफ द अदर हिप बोन एट ए कार्टिलेजिनस जॉइंट द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो प्यूबिस है ठीक है जो प्यूबिस बोन है जो उस वो क्या है इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बोन, ये क्या है एंटीरियर पार्ट है बोन का, एंड इट आर्टिकुलेट विद द प्यूबिस, और किसके साथ आर्टिकुलेट रहती है प्यूबिस के साथ, ऑफ द अदर हिप बोन एट ए कार्टिलेजिनस जॉइंट द सिम्फाइसिस प्यूबिस, द इलियम इज द सॉरी द इशियम इज द इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, इशियम जो है वो क्या है इंफीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है, द यूनियन ऑफ द थ्री पार्ट टेक प्लेस इन द एसिटेबुलम, और जो तीनों जो हैं तीनों जो पार्ट्स हैं ठीक है फ्यूज बोन के वो कहाँ पे आके कहाँ आते हैं एसिटेबुलम में आके मिलते हैं। नेक्स्ट है पेल्विस, बोन ऑफ द पेल्विस एंड द अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट फीमर, प्यूबिक आर्च, प्यूबिस, आउटर फोरामेन, एसिटाबुलम, इलियोस्पिंचक लाइन, इलियम, इलियक क्रेस्ट, ड्रिम ऑफ पेल्विस, सेक्रम, सेक्रो इलियक जॉइंट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, हेड ऑफ द फीमर, सिम्फाइसिस प्यूबिस और इशियम। द पेल्विस इज द फॉर्म बाई टू इनेमेट बोन विच आर्टिकुलेट एंटीरियर एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड पोस्टीरियर विद द सेक्रम एट द सेक्रो इलियक जॉइंट विच आर सिनोवियल जॉइंट, जो पेल्विस है वो किससे बनता है दो इनेमेट बोन से बनता है, एक जो इनेमेट बोन है वो तीन फ्यूज बोन से मिलकर बनती है, ठीक है, विच आर्टिकुलेट एंटीरियरली एट द सिम्फाइसिस प्यूबिस, कहाँ पे आर्टिकुलेट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, एंड पोस्टीरियरली विद द सेक्रम, और पोस्टीरियरली किसके साथ सेक्रम के साथ, और
जॉइंट कौन सा होता है वहां पे? सेक्रो इलियक जॉइंट क्या है? प्रेजेंट होता है, जो क्या कौन सा होता है? साइनोवियल जॉइंट होता है। इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट बाय द ब्रिम ऑफ द पेल्विस कंसिस्टिंग ऑफ द अपर मोनेट्री ऑफ द सेक्रम एंड इलियोपेंशियल लाइन ऑफ द इनोमिनेट बोन। द ग्रेटर और फॉल्स पेल्विस इज द अबव ब्रिम एंड द लेजर और ट्रू पेल्विस इज बिलो। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस, जो मेल और फीमेल के जो पेल्विस में है वो क्या डिफरेंस है, वो क्या है? जो मेल का पेल्विस है वो क्या होता है? नैरोएस्ट होता है, ठीक है, और जो फीमेल का जो है वो क्या है? प्यूबिक आर्च पे जाके क्या है? वाइड होता है। फीमेल जो पेल्विस जो है वो क्या है? बर्थ के टाइम पे जो है वो उसका जो चैनल है वो क्या है? वाइड हो जाता है, और जो मेल पेल्विस है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो प्यूबिक आर्च है वहां से जो मेल का जो पेल्विस है वो क्या है? नैरो होता है, और जो फीमेल का पेल्विस है वो क्या है? वाइड होता है। नेक्स्ट है फीमर। द फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जो फीमर है वो क्या है? लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है किसकी? बॉडी की। द हेड इज ऑलमोस्ट स्पाइकल एंड फिट इन टू द एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन टू फॉर्म द हिप जॉइंट। जिसका हेड है वो कहाँ पे फिट रहता है? एसिटाबुलम में रहता है, जो अपना हिप जॉइंट है वहां पे। इन द सेंटर ऑफ द हेड देर इज ए स्मॉल डिप्रेशन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। इन द सेंटर ऑफ द हेड, जो हेड का जो सेंटर है वहाँ पे क्या है? स्मॉल डिप्रेशन होता है किसके लिए? लिगामेंट के अटैचमेंट के लिए। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एसिटाबुलम टू द फीमर एंड कंटेन ए ब्लड वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द एंड द एरिया ऑफ द हेड ऑफ द बोन। जो
यहाँ पे क्या है, एसिटाबुलम, फीमर, और इनसे क्या ब्लड वेसल्स कंटेंट रहती हैं, ठीक है, और वो क्या करती हैं, ब्लड की सप्लाई करती है किसको, हेड ऑफ द बोन को। द नेक एक्सटेंड आउटवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड फ्रॉम द हेड टू द सॉफ्ट एंड मोस्ट ऑफ इट इज विद इन द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। जो नेक है वो किसकी तरफ एक्सटेंड रहती है, आउटवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड, और क्या है, स्लाइटली डाउनवर्ड रहती है, फ्रॉम द हेड ऑफ टू द सॉफ्ट एंड मोस्ट ऑफ इट इज विद इन द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लोअर थर्ड फॉर्म ए फ्लैट ट्राइंगुलर एरिया कॉल्ड द पोपलेटल सर्फेस। द डिस्टल एक्सट्रीमिटी हैज टू आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स विद द टीबिया एंड पटेला फॉर्म द नी जॉइंट। जो पोस्टीरियर सर्फेस है, ठीक है, वो क्या बनाती है, फॉर्म थर्ड फॉर्म है फ्लैट ट्राइंगुलर एरिया, ट्राइंगुलर एरिया बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, पोपलेटल सरफेस बोलते हैं अपन जिसको। द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज, जो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज है वो क्या है, टू आर्टिकुलर कॉन्डाइल विच विद द टीबिया एंड पटेला फॉर्म द नी जॉइंट। नेक्स्ट है टीबिया और साइन बोन या सिन बोन। टीबिया जो उसको क्या बोलते हैं अपन, सिन बोन भी बोलते हैं। द टीबिया इज द मीडियल ऑफ द टू बोन ऑफ द लोअर लेग। जो टीबिया है वो क्या है, मीडियल है किसकी, दो बोन की, किसके, लोअर लेग के। द प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज इज ब्रॉड एंड फ्लैट, प्रेजेंट टू कॉन्डाइल फॉर आर्टिकुलेशन विद द फीमर एंड द नी जॉइंट। द प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज है वो क्या है, ब्रॉड होती है एंड फ्लैट एंड प्रेजेंट टू कॉन्डाइल फॉर आर्टिकुलेशन विद द फीमर एट द नी जॉइंट। द हेड ऑफ द फिबुला आर्टिकुलेट विद द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल फॉर्मिंग द प्रोक्सिमल टीबियो फिबुलर जॉइंट। जो हेड है फिबुला का वो क्या है, टीबिया का। द हेड ऑफ द फिबुला आर्टिकुलेट विद द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल एंड फॉर्मिंग द प्रोक्सिमल टीबियो फिबुलर जॉइंट। और क्या बनाती है यहाँ पे, प्रोक्सिमल टीबियो फिबुलर जॉइंट बनाती है। द डिजिटल एक्सट्रीमिटीज ऑफ द टीबिया फॉर्म द एंकल जॉइंट विद द टैलस एंड द फिबुला। लेट फीमर का क्या है, डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर लेटरल कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल है, लेटरल सुप्रीकॉन्डाइल कॉन्डाइल लाइन है, मीडियल सरफेस दिखाई गई है, लीनिया एस्परा दिखाया गया है, मीडियल हिप और लीनिया एस्परा दिखाया गया है, स्पाइरल लाइन दिखाई गई है। द मीडियल मीडियल मेलाज इज द डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द बोन मीडियल टू द एंकल जॉइंट। नेक्स्ट है फिबुला। द फिबुला इज द लॉन्ग स्लेंडर लेटरल बोन ऑफ द लेग। जो फिबुला है वो क्या है, लंबी बोन होती है, और स्लेंडर लेटरल टाइप की क्या है, बोन होती है।
द हेड ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज आर्टिकुलेट विद द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया फॉर्मिंग द प्रोक्सिमल टिबियोफिब्युलर जॉइंट एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज आर्टिकुलेट विद द टीबिया देन प्रोजेक्ट बियॉन्ड इज टू फॉर्म द लेटरल मिलाज. जो हेड है, हेड ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज आर्टिकुलेट विद द लेटरल कॉन्डाइल, जो हेड है वो किसके साथ कनेक्ट रहता है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया फॉर्मिंग द प्रोक्सिमल टिबियोफिब्युलर जॉइंट, और क्या बनाती है, प्रोक्सिमल टिबियोफिब्युलर जॉइंट बनाती है. एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है आर्टिकुलेट विद द टीबिया देन प्रोजेक्ट बियॉन्ड इट फॉर्म द लेटरल मिलाज, और ये क्या बनाती है, लेटरल मिलाज बनाती है. नेक्स्ट जो डायग्राम दिखाया गया है वो फिबुला का दिखाया गया है, टीबिया और सिनमोन दिखाई गई है आपके, यहाँ पे लेटरल कॉन्डाइल दिखाया गया है, हेड ऑफ द फिबुला है, मीडियल कॉन्डाइल है, ट्यूबुलोसिटी दिखाई गई है, फिबुलर नोच है, मीडियल मेलोज है और लेटरल मेलोज है. ये टीबिया है, ये फिबुला है, दोनों एक साथ ऐसे जुड़ी रहती हैं. पटेला और नेकैप, दिस इज ए रफली ट्राइंगुलर शेप सिस्मोइड बोन एसोसिएटेड विद द नी जॉइंट. जो पटेला है वो क्या है, दिस इज ए रफली ट्राइंगुलर शेप सिस्मोइड बोन, ये सिस्मोइड टाइप की क्या है, बोन होती है, एसोसिएटेड विद द नी जॉइंट, और किसके साथ रहती है, नी जॉइंट के साथ. इट पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द प्लेटर सरफेस ऑफ द फीमर इन द नी जॉइंट एंड इट्स एंटीरियर सरफेस इज इन द पेडल टेंडन टेंडन ऑफ द फीमोरिस मसल्स. टार्सल और एंकल बोन, नेक्स्ट जो है वो क्या है, टार्सल और एंकल बोन. देर इज द सेवन टार्सल बोन विच फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट. कितनी है, सात टार्सल होती हैं जो क्या करती हैं, अपनी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट का निर्माण करती हैं. एक टेलस, एक कैल्कुलस, नेविकल, यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड, ये सात हैं, ये क्या बनाती हैं,
जो पोस्टीरियर पार्ट है फुट का उसको क्या है बनाते हैं, द टैलस आर्टिकुलेट विद द टीबिया एंड फिबुला एट द एंकल जॉइंट। तो टैलस जो है ठीक है वो किसके साथ कहाँ जुड़ती है, आर्टिकुलेट विद द टीबिया एंड फिबुला एट द एंकल जॉइंट। द कैल्कनेस फॉर्म द हील ऑफ द फुट, जो कैल्कनेस जो है वो क्या बनाती है, फुट का जो हील जो है वो बनाती है। द आउटर बोन आर्टिकुलेट विद ईच अदर एंड विद द मेटाटार्सल बोन, जो अदर बोन है वो क्या है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है, किसके साथ, मेटाटार्सल बोन के साथ। नेक्स्ट अपनी मेटाटार्सल बोन और फुट, दीज आर फाइव न्यूमेरेट बोन फॉर्म विद इन द आउटवर्ड विच फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट। पांच होती है मेटाटार्सल ठीक है, जो क्या बनाती है, फुट बनाती है। एट देयर प्रोक्सिमल एंड दे आर आर्टिकुलेट विद द टार्सल बोन एंड देयर डिस्टल एंड विद द फ्लैंजेज। जो टार्सल एक तो क्या है, टार्सल से कनेक्ट रहती है, दूसरी किससे रहती है, फ्लैंजेज से रहती है। द इनलार्ज डिस्टल हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन फॉर्म द बॉल ऑफ द फुट, जो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन है वो क्या बनाती है, बॉल ऑफ द फुट। नेक्स्ट है फ्लैंजेज ऑफ द टॉय, फ्लैंजेज देर आर 14 फ्लैंजेज अरेंज इन ए सिमिलर मैनर ऑफ दीज इन द फिंगर। ये 14 जो है ये क्या है, होती हैं और सिमिलर क्या है, ये इक्वल सब में रहती हैं। टू इन द ग्रेटर टॉय, दो जो हैं वो अंगूठे में होती हैं अपनी, एंड देर इज देर इन ईच ऑफ अदर टॉय विल इलस्ट्रेटेड बाय द कंपेयरिंग ए नॉर्मल फुट विद ए फ्लैट फुट। द बोन हैव ए ब्रिज लाइक अरेंजमेंट एंड देयर सपोर्ट बाय द मसल्स एंड लिगामेंट्स, सो द फोर आर सो इन फॉर्म। जो बोन है वो क्या है, ब्रिज लाइक अरेंजमेंट रखती हैं ब्रिज के जैसा, एंड आर सपोर्टेड बाय मसल्स एंड लिगामेंट, सपोर्ट करती है किसके साथ, मसल्स और लिगामेंट से सपोर्ट मिलती है इनको। सो दैट फोर आर्स आर फॉर्म ए मीडियल एंड लेटरल लंगरल आर्च एंड टू ट्रांसवर्स आर्च। मीडियल लिमिनल आर्च, दिस इज द हाइएस्ट ऑफ द आर्च एंड इज फॉर्म बाई द कैल्कनियस टैलस नेविकुलर थ्री यूनिफॉर्म एंड फर्स्ट थ्री मेटाटार्सल बोन। ओनली द कैल्कनियस एंड द डिस्टल एंड ऑफ द मेटाटार्सल बोन हैड टच द ग्राउंड। नेक्स्ट अपना जो है लेटरल जो आर्च है उसमें क्या होता है, द लेटरल आर्च इज द मस्ट लेस्ट मार्क देन इट इज मीडियल काउंटर पार्ट, द बोनी कंपोनेंट आर्च द कैल्कनियस क्यूबॉइड एंड द टू लेटरल मेटाटार्सल बोन, अगेन ओनली द कैल्कनियस एंड मेटाटार्सल बोन शुड टच द ग्राउंड। ये जो कैल्कनियस और जो मेटाटार्सल है वो क्या है, ग्राउंड के टच में रहती है। नेक्स्ट अपना जो है ट्रांसवर्स आर्च, दीज रन अक्रॉस द फुट एंड कैंडल मोर इजिली सीन बाय एग्जामिनिंग द स्केलेटल देन द लाइव मॉडल, दे आर मार्क मोस्ट द लेवल ऑफ द थ्री यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड बोन। थैंक्स टू ऑल, जो आपका स्केलेटल सिस्टम था वो फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट यूनिट पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।